सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मिस्टर सिंह मैकेनिकल को और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह मैकेनिकल में आप सबका स्वागत है। कई बार आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर के टॉप कवर के लॉक टूट जाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि उसको रिपेयर कैसे करें। तो चलिए देखिए, ये एक टॉप कवर है जिसका लॉक टूटा हुआ है और इसका एक सीधा साधा समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको एक एल्यूमिनियम वायर चाहिए होगी। तो दोस्तों, इस वायर का एक सिरा हम थोड़ा नुकीले कर लेंगे ताकि ये वायर गर्म होने के बाद प्लास्टिक टॉप कवर में आसानी से अपना होल बना सके। और दोस्तों, प्लास्टिक टॉप कवर और एल्यूमिनियम वायर के बीच में कोई जगह ना रहे, इसलिए हम वायर को जब प्लास्टिक टॉप कवर में लगाते हैं तो उसी वक्त गर्म वायर को ठंडा करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से जकड़े रखें। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं आपको ये इसमें एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, पानी से तुरंत ठंडा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चलिए, अब मैं इसके फालतू हिस्से को थोड़ा काट देता हूँ और अब चलिए मैं इसको वॉशिंग मशीन में आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसको फिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा हिस्सा फालतू है, अब इसको भी मैं मतलब यहाँ इसकी पे मैं इसके हिसाब से काट दूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से एक बेकार टॉप कवर को फिर से कैसे इस्तेमाल में लिया है और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और दोस्तों, टॉप कवर की फिटिंग कैसे करते हैं ये मैं अपनी वॉशिंग मशीन की पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, इस ट्रिक को मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये ट्रिक बहुत अच्छे से वर्क करती है। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सिंह मैकेनिकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी जो आज मैंने आपको बताई है, आप भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ मिस्टर सिंह मैकेनिकल चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।